Hello, friend. Namaste. मैं अनुभा पांडे, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ, जिसमें मैं एक आसनी दिखा रही हूँ और इसको बनाई हूँ, इसको बताने जा रही हूँ। यह आसनी बचे हुए ऊन से मैं बनाई हूँ, जो छोटा छोटा ऊन इधर उधर हो जाता है, फेंक दिए जाते हैं, वो कोई काम में नहीं आता। ये कई रंगों से बनाई हूँ। मेरे पास जो थोड़ा थोड़ा ऊन बचा हुआ था, उसी से मैं इसको बनाई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसको मैं शुरू करूँगी। पहले एक बनेगा, फिर उसके बाद दो बनेगा, फिर यहाँ तीन बनाएंगे। इसी तरह से बढ़ता हुआ ये ऊपर तक जाएगा और इसे बराबर करके और चारों तरफ से इसको मैं बंद कर दूंगी। क्रोशिया से ही मैं बिना चेन लिए हुए ही हॉफ क्रोशिया में इसको बंद कर दी हूँ और छोटा छोटा ऊन को काट करके इसमें मैं लगाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको बताती हूँ। और बताने से पहले, अगर आप मेरे नए इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके फ्रेंड्स। तो चलिए इसको मैं बताती हूँ। इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा ऊन ली हूँ और इसको मैं क्रोशिए से बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैं पहले इस तरह से लूप तैयार कर लूंगी और 10 चेन ले लूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक चेन एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। इसको छोड़ करके मैं ये चेन छोड़ करके और अब मैं इसमें बुनाई शुरू करूँगी। पहली लाइन तैयार करूंगी। अब फिर यहाँ मैं इस तरह से एक बार इसको थोड़ा ढीला करके और फिर इसमें बुनाई करूंगी। इस तरह से इसमें क्रोशिए से बुनाई करने में अंदर की तरफ से इस तरह से बुनते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बुनाई अलग है। इसमें से मैं बुनाई करूंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। ये 10 लाइन, 10 फंदों को मैं 8 बार बुनूंगी। ये मेरा दूसरा रो है। एक बार चेन लेकर के और 2 को एक करना है इस तरह से। एक चेन वाला फंदा रहेगा, एक इधर से इस क्रोशिए से निकालना है इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको, ये मेरा 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं 8 बार कंप्लीट कर लेती हूँ। लाइन तैयार हो गया है। अब यहाँ मैं इस तरह से
8 लाइन बुनाई करूँगी, ठीक जैसे मैं पहली बार शुरू करके बुनाई की थी उसी तरह से मुझे यहाँ बुनाई करना है। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ इसको इस तरह से कर लेती हूँ, यहाँ इस तरह से। अब मैं इसको ढीला करके और यहाँ से मैं फिर बुनाई करूँगी। यहाँ इस तरह से बुन लूँगी, इस तरह से बुन लूँगी और यहाँ मैं इसमें से इस तरह से उन करके खींच के और यहाँ घटा दूँगी। Thank you.
पहले शुरू की थी, दूसरी रो में उसी तरह से भी बन गया। अब इसको मैं बना रही हूँ, ये वाला जो है मेरा, इसको बुन रही हूँ। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा ये 8 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं इस तरह से इस बंदों को बंद कर दूंगी, इस तरह से यहाँ इस तरह से मैं बिना चेन दिए हुए ही इस तरह से स्लिप स्टिच में इसको thank you.
पहुंच सके।